सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो फेक बेबलेट का। सो ये भी एक फेक स्पार्किंग बेबलेट है, सो इसका आज अनबॉक्सिंग करेंगे। एंड अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड बेबलेट कम्युनिटी थोड़ा और आगे बढ़ा दो। सो बिना इसी तरीके लेट स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। सो गाइज, मैंने इसे भी फ्लिपकार्ट से बाय किया था एंड ये कुछ मुझे 300 रुपये के अराउंड पड़ा था इसका प्राइस। एंड ये एम क्यू ब्रांड का, इधर देख सकते हो लिखा हुआ है एम क्यू। सो अच्छा लगता है अगर कुछ लिखा होता है फ्लेम एम क्यू बॉक्स में, नहीं तो हमें ज़्यादातर पता नहीं चलता कौन से ब्रांड का है। फेक है फिर भी ब्रांड का नाम होना चाहिए गाइज। एंड उसके बाद इधर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्लाइड इसका जो क्या बोलते हैं रिंग है, 1S चेसी व्हील, इसका जो फोर्ज डिस्क है एंड रिवॉल्व ड्राइवर सब कुछ दिया हुआ है। सो अभी इसको निकालते हैं एंड देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिला है। सो खोलता है इसके बॉक्स को एंड सबसे पहले निकलता है एक रिपकॉर्ड। एंड उसके बाद आता है गाइस हमारा रिपकॉर्ड वाला लॉन्चर, जो कि काफ़ी अच्छा लॉन्चर है। अगर आपके पास कोई लॉन्चर नहीं है, आप बहुत ही मतलब इससे काम चला सकते हो, एकदम खतरनाक वाला लॉन्चर है, ये भी बुरा नहीं है। एंड उसके बाद इसके अंदर मिलता है हमें इस रैपर में सारे बेवलेट्स हमें असेंबल करने पड़ेंगे। सो इसे हम खोलते हैं पहले। सो गाइस, ये है जो इसका स्पार्किंग चिप, जो कि है रैग्नारोक का स्पार्किंग चिप, देख सकते हो एकदम ट्रांसपेरेंट कलर का है, बहुत बढ़िया है। एंड इसके बाद मिलता है हमें इसका जो ग्लाइड रिंग है, सो देख सकते हो काफी बढ़िया है ग्लाइड रिंग। एंड उसके बाद हमें मिलता है इसका 1S चेसी। एंड इसके साथ हमें जो फोर्ज डिस्क मिलने वाला था वो था व्हील, क्या मिला मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन ठीक है, अच्छा है, इसका वेट मुझे अच्छा खासा लगा, सो ठीक है। एंड गाइस, पता नहीं लगता हमें चेसी गलत मिल गया है, मुझे पता नहीं, कमेंट में आप बताना ये गलत है या फिर सही है। मुझे तो लग रहा है ये कुछ रॉन्ग मिल गया हमें, ये इसमें लिखा है 1B एंड बैक में लिखा था 1S, सो कुछ गलत मिल गया हमें। सो गाइस, कमेंट में बताना ये वाला पार्ट सही है इसका या फिर गलत है, रॉन्ग है, सो बताना कमेंट में। एंड उसके बाद हमें मिलता है इसका रिवॉल्व ड्राइवर, मैं ठीक नाम ले रहा हूँ या फिर नहीं गाइस, उसके लिए सॉरी। एंड ये कुछ कुछ गाइस्ट वेफनियर के नथिंग ड्राइवर की तरह है, नथिंग ड्राइवर की तरह या फिर एब्जॉर्ब ड्राइवर की तरह है, देख सकते हो वैसा ही कुछ सिस्टम है इसका। सो अब इसको हम असेंबल करते हैं एंड आपको दिखाता हूँ बेबलेट को। सो गाइस, देख सकते हो बेबलेट ये है ग्लाइड रैग्नारोक। सो काफी बढ़िया है दिखने में। अभी छोटा सा इसका एक टेस्ट स्पिन ले लेते हैं एंड देखते हैं टेस्ट स्पिन में कैसा परफॉर्म करता है ये। सो इसको कर लेते हैं स्पिन, 3 2 1 लेट इट रिप। एंड देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मुझे तो दिख रहा है। अभी एक स्टेमिना टाइप बेबलेट है, सो काफी अच्छा परफॉर्मेंस है एंड कुछ आवाज कर रही है थोड़ा बहुत, तो ठीक है, अभी ज्यादा बोरिंग नहीं बनाते टेस्ट स्पिन को, अभी बैटल करते हैं। 3 2 1 लेट इट रिप, 3 2 1 लेट इट रिप। सो पहला बैटल है जेड वाइब्रॉन से, सो देखते हैं जेड वाइब्रॉन के सामने कैसा परफॉर्म करता है ग्लाइड रैग्नारोक। एंड गाइस, अगर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा हो तो उसको इग्नोर करो गाइस एंड बैटल का मजा लो। तो देखते हैं जेड वाइब्रॉन को हरा देता है या फिर नहीं। एंड इसी के साथ जेड वाइब्रॉन को हरा दिया है ग्लाइड रैग्नारोक ने। 3 2 1 लेट इट रिप, 3 2 1 लेट इट रिप। सो अभी है रैग्नारोक का जो क्या बोलते हैं यार, मुझे मतलब आ नहीं रहा वो बात, मतलब अभी थोड़ा टफ कंपटीशन है, वॉल्स प्राइजन है सामने, सो देखते हैं वॉल्स प्राइजन को क्या हरा पाएगा ग्लाइड रैग्नारोक, देखते हैं क्या होता है। एंड इसी के साथ वॉल्स प्राइजन थोड़े से मार्जिन से जीत गए, एक और राउंड करते हैं वॉल्स प्राइजन के साथ। 3 2 1 लेट इट रिप, 3 2 1 लेट इट रिप। एंड देखते हैं इस बार क्या होता है वॉल्स प्राइजन, तो काफी ताकतवर बेबलेट है लेकिन देखते हैं क्या ग्लाइड रैग्नारोक उसको बाजी मार पाएगा उसके सामने, सो देखते हैं, लगता है इस वाले राउंड में कुछ हो सकता है गाइस। एंड इसके साथ ग्लाइड रैग्नारोक ने हरा दिया है वॉल्स प्राइजन को। 3 2 1 लेट इट रिप,
स्पीड वन, लेट इट रिप। एंड अभी इसका जो सामना है टैग टाइप बेबलेट से, यार बर्स्ट हो गया दोनों ही एक साथ। जब भी मैं ब्रेव वैलकरी को लॉन्च करता हूँ मुझे थोड़ा उम्मीद रहता है ब्रेव वैलकरी से कुछ किया कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा हमें। सो देख सकते हो बर्स्ट देखने को मिल गया, काफी मजा आ गया। एंड देख सकते हो अटैक टाइप बेबलेट है, फिर भी अच्छा परफॉर्म किया ग्लाइड रैगना रॉक ने। सो करते हैं एक और बेबलेट से इसका बैटल। 3-1 लेट इट रिप, 3-1 लेट इट रिप। देखते हैं डेथ सोलोमोन के सामने कैसा परफॉर्म करता है। एंड डेथ सोलोमोन ने कर दिया है नॉकआउट ग्लाइड रैगनारोक को। सो एक और राउंड कर लेते हैं डेथ सोलोमोन के साथ। 3-1 लेट इट रिप, 3-1 लेट इट रिप। एंड फिर से नॉकआउट होते होते रह गया ग्लाइड रैगनारोक की। काफी अच्छे अटैक्स है डेथ सोलोमोन के। एंड इसके साथ डेथ सोलोमोन फिर से जीत गया है ये वाला मैच। सो गाइस देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया, मुझे तो काफी अच्छा लगा इसका परफॉर्मेंस, ओवरऑल काफी बढ़िया है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दो लाइक एंड कर दो सब्सक्राइब। एंड मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी ब्लीडिंग।